Welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello students, यह आपकी कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम है और आज हमारा जो टॉपिक या विषय है वह है सुरेंद्र विक्रम द्वारा रचित कविता मन करता है। इस कविता में कवि ने एक बच्चे के मन में उठने वाले विभिन्न भावों को कि वह क्या होना चाहता है, कैसे कैसे उसके मन के भाव बदलते जाते हैं, वह इस कविता में सुंदर चित्रण किया है। तो आओ ये बच्चों इस कविता को पढ़ते हैं कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। कवि एक बच्चे के मन की स्थिति को बता रहे हैं और कहते हैं कि वह बच्चा कभी सूरज बनकर आसमान में, जैसे सूरज इधर से उधर दौड़ता है या चलता है, ठीक वैसे ही वह बच्चा भी सूरज की तरह इधर उधर आसमान में स्वतंत्र घूमना चाहता है, आज़ाद घूमना चाहता है। और तो कभी उसका मन चंदा बनकर, चंद्रमा बन जाना चाहता है। क्यों? ताकि क्योंकि चंद्रमा तारों का राजा है, वह उन तारों पर अपनी अकड़ दिखाना चाहता है, अपनी धौंस जमाना चाहता है, इसलिए उसका मन कभी होता है कि वह चंदा बन जाए। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। वो कहता है कि उसका मन करता है कि कभी वो अपने दादाजी की तरह, बाबा जी का मतलब यहाँ पर दादाजी है, कि वह दादा बन जाए, घर के सभी बड़ों पर अपनी धौंस जमाए। धौंस जमाने का मतलब है कि ज़बरदस्ती अपना कहना मनवाए, क्योंकि जो बड़े होते हैं उन सबका कहना मानना मानते हैं सभी लोग, तो इसलिए वह चाहता है धौंस जमाकर ज़बरदस्ती अपना काम करवाना। तो कहता है कि मैं दादा बनना चाहता हूँ ताकि जैसे मेरे दादाजी सब पर धौंस जमाते हैं, ऐसे मैं भी सब पर रौब जमाऊँ। और तो कभी कभी उसका मन करता है कि जैसे उसके पापा जी हैं, कि अपने पापा की तरह हो जाऊं, और जैसे उसके पापा ने अपनी मूछें बढ़ाई हुई हैं, ठीक उसी तरीके से मैं भी अपनी मूछें बड़ी बड़ी कर लूं। आगे वो कहता है कि मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। वो आगे कहता है कभी कि वह दूर उड़ना चाहता है, जैसे तितली सुंदर सुंदर पंखों से दूर उड़ती है, ठीक वह भी तितली बन जाना चाहता है और दूर इधर उधर फूलों पर मंडराना चाहता है। और तो कभी उसका मन होता है कि वह कोयल बन जाए, और जैसे कोयल मीठे मीठे गीत सुनाती है, ठीक वैसे ही वह भी मीठे मीठे बोल लोगों से बोले। अंतिम चार पंक्तियों में कवि कहता है कि मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो कहता है कि मन करता है कि कभी कभी मैं चिड़िया बन जाऊं, और जैसे चिड़िया ची ची चू चू का शोर मचाती है, तो मैं भी उसी तरह का शोर मचाऊं। आगे कभी कहता है कि मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो कहता है कि मन करता है कि जैसे मैं भी एक चरखी ले लूं, और जैसे बसंत पंचमी के दौरान मैं नीली पीली पतंग उड़ाता हूँ, ठीक वैसे ही अलग अलग कलर की, अलग अलग रंगों की मैं पतंग उड़ाऊँ। तो यह वो कविता है जिसमें कवि एक बच्चे के मन की स्थिति बता रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि बच्चे के मन में अलग अलग भाव आ रहे हैं, और उन भावों में कभी वह चांद होना चाहता है, कभी वह सूरज होना चाहता है, तो कभी वह अपने पापा की तरह या अपने दादाजी की तरह बनना चाहता है, कभी वो चाहता है कि चिड़िया बन जाए, कभी वो चाहता है कि तितली बन जाए, और अंत में तो वो ये कहता है कि काश मैं चरखी लेकर नीली पीली पतंग उड़ा लूँ। तो मुझे लगता है बच्चों ये कविता आपको पसंद आई होगी। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।